नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और मैं हूं निखिल। मिडल ईस्ट में लड़ाइयों की कोई कमी नहीं है। यमन में सऊदी और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, सीरिया में कौन किससे लड़ रहा है क्लियर नहीं हो पा रहा है। इनमें एक लड़ाई जुड़ते जुड़ते रह गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक 20 जून को अमेरिका ईरान पर हमला करते करते रह गया। सब फाइनल हो गया था, प्लेन हवा में पहुंच गए थे, ट्रंप का ऑर्डर आ गया था, प्लेन्स फायर भी करने वाले थे कि पीछे से मैसेज आया, ठहरो। अगर ये हमला हो जाता तो ट्रंप का ये किसी विदेशी मुल्क पर होने वाला दूसरा हमला होता। ट्रंप 2017 और 2018 में सीरिया में फाइटर जेट्स भेज चुके हैं। कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स यानी कि ऐसे फौजी जो सीधी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते हैं लेकिन जो लोग लड़ रहे होते हैं उनकी प्लानिंग वगैरह में मदद करते हैं, उन्हें भी सीरिया और इराक में भेजा गया है। बाकी अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। रही बात ईरान और अमेरिका की, तो उनके बीच तब से तनाव बढ़ा है जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने, मतलब पिछले 2.5 साल के आसपास से। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि अमेरिका करीब 1.25 लाख सैनिक मिडल ईस्ट के रीजन में भेज सकता है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो ईरान से जंग लड़ी जा सके। दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ते छिड़ते कैसे रह गई, यही बताने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात ईरान की लोकेशन की। सिचुएशन समझने के लिए आपको ईरान की लोकेशन की अहमियत जाननी पड़ेगी। इंडिया से वेस्ट की तरफ आप चलेंगे तो पहले पाकिस्तान पड़ेगा और फिर ईरान। काफी लंबी बॉर्डर ईरान की अफगानिस्तान से भी लगती है। ईरान के साउथ में दो खाड़ियां हैं, ओमान और फारस की। इन खाड़ियों की यानी कि इन बेस के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं सब के सब तेल पर तैर रहे हैं। ईरान, इराक, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन और सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब, ये सब अपना तेल बड़े बड़े टैंकर्स में भर के इन्हीं दो खाड़ियों के रास्ते एक्सपोर्ट करते हैं। ओमान और फारस की खाड़ी से जो रास्ता है उसे तेल और गैस के एक्सपोर्ट के लिए दुनिया का सबसे अहम हाईवे माना जाता है। और इस हाईवे पर एक चोक पॉइंट है, माने एक बेहद सकरा हिस्सा है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या हिंदी वाले उसे कहते हैं हॉर्मुज जलसंधि। जलसंधि उस छोटी वाटर बॉडी को कहते हैं जिसके दो तरफ बड़ी वाटर बॉडीज है, मतलब एक बड़ा समंदर यहाँ, एक बड़ा समंदर इधर, और बीच का जो हिस्सा है वो स्ट्रेट कहलाता है। खैर, टॉपिक पर लौटते हैं। हर तेल टैंकर को हॉर्मुज जलसंधि से गुजरना ही पड़ता है अगर उसे इस रीजन से तेल लेके जाना है या खाली है और उससे डिलीवरी लेने के लिए दोबारा जाना है। और चूंकि ये रास्ता बहुत सकरा है, यहाँ उसी की भैंस चरती है जिसके पास होती है लाठी। इस जलसंधि के ठीक ऊपर ईरान का हॉर्मुज द्वीप पड़ता है जिससे इसका नाम आया है, और नीचे पड़ता है ओमान के सुदूर उत्तरी प्रांत कुमजार नाम की एक जगह। इस चोक पॉइंट को खुला रखने के लिए, ताकि हमेशा यहां से ट्रेड चलता रहे, कभी रुके नहीं, अमेरिका हर संभव कोशिश करता है। क्यों, वो आप आगे जानेंगे। अमेरिका की नेवी की यूएस 5th फ्लीट यहां तैनात रहती है और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल फोर्सेस का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर भी बहरीन में ही है जो कि पास में है। अपने सबसे सक्रिय हिस्से में हॉर्मुज जलसंधि सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ी है। ये 65 किलोमीटर समंदर वाले है ना, तो उस हिसाब से ये सकरा है। इसीलिए गश्त के दौरान यहाँ जब यूएस नेवी और ईरान की नौसेना आमने सामने आती है तो स्क्रमिशेस होते रहते हैं, झड़पें होती रहती हैं, और ये दोनों देश यूएस और ईरान एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि जो लेटेस्ट टेंशन इन दोनों के बीच बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है। ये टेंशन बढ़ना शुरू हुई दो टैंकर्स पर हमले के बाद। 13 जून को दो टैंकर फ्रंट अल्टेयर और कोको अक्रेजियस समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में थे। इनमें से एक सऊदी अरब से सिंगापुर जा रहा था और दूसरा कतर से ताइवान। इन्होंने हॉर्मुज जलसंधि पार ही की थी कि इनमें जोर का धमाका हुआ। फ्रंट अल्टेयर के मालिक नॉर्वे की एक कंपनी है, फ्रंटलाइन उसका नाम है। कंपनी का कहना है कि धमाके की ठीक ठीक वजह उनको नहीं पता है, मगर ये किसी मशीनी या इंसानी गड़बड़ी से नहीं हुआ था, इतना वो जानते हैं। दूसरा टैंकर कोकोआ करेजेस की मालिक जो जापानीज़ एक कंपनी है कोकोआ सांगियो, उनका कहना है कि 3 घंटे के भीतर उनके टैंकर में 2 धमाके हुए और ऐसा लगता है कि किसी उड़ती हुई चीज़ से यह हमला हुआ था। इन हमलों की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर यूएस और बहुत सारे दूसरे देश जो यूएस अलाइज हैं ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले भी मई के महीने में 4 टैंकर्स पर हमला हो चुका है, तो टेंशन चल रही है। और ये टैंकर्स पर अटैक से ज़्यादा बड़ी घटना हुई 20 जून को। इस दिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि तड़के सुबह उन्होंने अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन गिरा दिया। ईरान का कहना था कि ये ड्रोन उनकी सीमा में घुस आया था। ईरान की तरफ से कहा गया कि ड्रोन गिराना अमेरिका के लिए चेतावनी है,
और उसकी सीमा एक रेड लाइन है जिसे अमेरिका बार बार पार करने की कोशिश ना करे। बाद में अमेरिकी सेना की भी पुष्टि आई, यूएस नेवी का एक ट्वीट आया कि एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ईरान ने गिरा दिया है, मगर अमेरिका के मुताबिक उनका ड्रोन हॉर्मुज जलसंधि के ठीक ऊपर था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में था। इस पर तड़का ये कि जिस फोर्स ने यूएस के ड्रोन को गिराने का ऐलान किया था, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, तो डबल मिर्ची लगी। और इस ड्रोन शूटिंग के कुछ दिन पहले ईरान ने एक और अमेरिकन ड्रोन को गिराने की कोशिश की थी, तो ये मामला कुछ कुछ वैसा हो गया था जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एयरियल स्टैंड ऑफ था कुछ दिन पहले जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे, तब ऐसा लग रहा था कि एक ऑल आउट वॉर छिड़ सकती। 20 जून को सुबह 7 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, ईरान मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, मानी ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इसी दिन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से एक मीटिंग थी, वहां पे जो पत्रकार आए हुए थे उन्होंने ट्रंप से ये पूछा कि अब ड्रोन गिरा दिया गया है, इस पर आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, क्या आप ईरान पर हमला कर देंगे। उसके जवाब में ट्रंप ने एक ही चीज रिपीट की थी, यू विल सून फाइंड आउट, यानी आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इससे कुछ लोगों को लगा कि बड़ा होने वाला है, आलोचकों को ये कहने का मौका मिला कि ईरान के ड्रोन गिरने से अमेरिका को वो मौका मिल गया है ईरान पर हमला करने का, जिसे वो बहुत लंबे समय से खोज रहा था। वैसे जब ट्रंप ने ये कहा था कि विल सून फाइंड आउट, उसी बयान में आगे उन्होंने ये भी कहा था कि शायद किसी ने गलती से वो ड्रोन गिरा दिया, तो थोड़ा सा बात संभालने वाली कोशिश थी, लेकिन हेडलाइंस जो बनी वो यू विल सून फाइंड आउट से ही। ईरान में जब शाह का राज होता था, जब महाराजशाही थी, तब ईरान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे, खूब जमती थे दोनों में। निक्सन के ज़माने में अमेरिका ने ईरान को खूब हथियार बेचे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह के बाद आयातोल्ला खुमैनी, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ईरान में अमेरिकी एम्बेसी के स्टाफ को भी बंधक बना लिया गया जब रेवोल्यूशन हुई वहाँ, और बहुत लंबी बातचीत के बाद ही उन्हें छुड़ाया जा सका था। तब से अमेरिका और ईरान पक्के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच दुश्मनी का एक और कारण है, 1945 में अमेरिका ने सऊदी अरब यानी कि ईरान के दुश्मन के साथ एक डील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और सऊदी के राजा अब्दुल अजीज अल सऊद ने तय किया कि सऊदी अरब अमेरिका को तेल की एक भरोसेमंद सप्लाई देगा और बदले में अमेरिका सऊदी को देगा सिक्योरिटी। इस साझेदारी को कहा जाता है ऑयल फॉर सिक्योरिटी डील। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान अमेरिका का ही नहीं सऊदी अरब का भी दुश्मन बना। अब हाल ये है कि अमेरिका ईरान से सिर्फ अपनी ही नहीं सऊदी की दुश्मनी भी निभाता है ना, उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो कॉल से बंधा हुआ है। मध्य पूर्व में ईरान अपनी धाक चाहता है और इसके लिए वो सऊदी के खिलाफ काम करता रहता है। अमेरिका सऊदी की सुरक्षा के कॉल से बंधा हुआ है तो वो भी इस झगड़े में खिंच जाता है। मिसाल के लिए यमन में सऊदी और ईरान का झगड़ा चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रॉक्सी वार इन दो कंट्रीज के बीच है। सऊदी जिन हथियारों और ट्रेनिंग का इस्तेमाल वहां कर रहा है वो सारे के सारे अमेरिकन हैं, तो ईरान अमेरिका से और चिढ़ता है। मध्य पूर्व में जितनी लड़ाइयां आप अभी चलते देख रहे हैं उन सब में पर्दे के पीछे से आपको ईरान और अमेरिका आपस में लड़ते दिख जाएंगे। ईरान ने कभी यूएस की मदद से ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अब दोनों के बीच इतनी दुश्मनी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु कार्यक्रम में थोड़ा भी आगे बढ़े, परमाणु हथियार तो बहुत दूर की बात है। अमेरिका दुनिया का दादा है तो उसने ईरान पर ढेर सारे सैंक्शंस लगाए थे, ईरान को कारोबार करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उनका पैसा फंसा हुआ था बाहर। नतीजे में ईरान ने इराक में अमेरिका का जीना हराम कर रखा था। अमेरिका किसी भी हालत में इराक से लौटना चाहता था, तो ऐसे माहौल में बहुत लंबी बातचीत के बाद 2015 में यूएस, ईरान और दुनिया की जो बाकी ताकतें हैं उनके बीच एक न्यूक्लियर डील हुई। तय हुआ कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की निगरानी में चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और जो वक्त मिलेगा इससे अमेरिका और यूरोप उसमें एक स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बताओ राष्ट्रपति, इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में बराक ओबामा की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस डील के कई सारे क्रिटिक्स भी थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। इनका कहना था कि डील में पर्याप्त शक्ति नहीं है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान के पास काफी पैसा भी आ गया है, जिससे वो कट्टरपंथी नेता और आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं। बराक के जाने के बाद चुनाव जीता डोनाल्ड ट्रंप ने, और आखिर में मई 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से अलग कर ही दिया। इसे डील खत्म तो नहीं हुई लेकिन काफी कमजोर हो गई। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और जर्मनी अब भी डील के पार्टनर्स हैं, मगर ट्रंप ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, जिससे ईरान की जो इकॉनमी है वो लगातार लुढ़क रही है। हार के ईरान ने भी मई 2019 में ये कह दिया है कि वो अब और सब्र नहीं करेगा,
उसने ये कहा है कि वो न्यूक्लियर ईंधन का जो भंडार उसके पास है उसे बढ़ाएगा। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रखने वाली चीज होगी। ईरान और सऊदी गैंग कट्टर दुश्मन है। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आने से पूरे मिडिल ईस्ट में से हासिल करने की होड़ लग जाएगी। इलाके में पहले ही बहुत इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे हथियार, बहुत सारी लड़ाइयाँ पहले से चल रही हैं, और जब बात न्यूक्लियर वेपन्स की होगी तो रिस्क बढ़ता है। हथियार होने से ज़्यादा दिक्कत इस बात की रहेगी कि वो चलेगा किसके ऊपर, क्योंकि उसका कंट्रोल जिसके पास रहेगा वो अपने दुश्मन के खिलाफ उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेगा। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार आने पर US और इसराइल शायद उस पर सीधे हमले के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों देशों के बीच टेंशन का लंबा इतिहास है और इसका सबसे दुखद पन्ना लिखा गया था 3 जुलाई 1988 को। अमेरिकन नेवी के एक जहाज ने ईरान के एक सिविलियन एयरक्राफ्ट ईरान एयरफ्लाइट 655 को गिरा दिया था। विमान में बैठे सभी 290 लोग, जिनमें से 66 बच्चे थे, मारे गए थे। अमेरिका ने माफी मांगने के बजाय इसका दोष ईरान पर ही मढ़ने की कोशिश की थी कि वो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए तय रूट से बाहर चल रहा था, नेवी के चेतावनी का जवाब नहीं दे रहा था। ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में अमेरिका पर केस ठोका, लेकिन 1996 में ये केस खत्म हो गया जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। दोनों पार्टीज ने एक समझौता किया, अमेरिका ने खेद जताया और जो मरने वाले थे उनके घर वालों को मुआवजा दिया। अब आते हैं सवाल पर कि ईरान चाहता क्या है। ईरान की फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी है जो उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो। अमेरिका ने इसे ईरान या हम वाला सवाल बना लिया है कि या तो आप ईरान से बात कर लो या तो हमसे बात कर लो, उनके दोस्त तो हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त तो उनका दुश्मन बनना पड़ेगा। ईरान इस डेडलॉक का तोड़ चाहता है क्योंकि इस वजह से ईरान दुनिया को तेल बेच नहीं पा रहा है, जो कि ईरान की इकोनॉमी का आप ये कहिए कि इंजन है। इसीलिए ईरान यूरोप की तरफ देख रहा है, यूरोप न्यूक्लियर डील का हिस्सा है और ईरान को लगता है कि यूरोप हालत बिगड़ने से बचा लेगा। लेकिन फिलहाल यूरोप और ईरान अमेरिका के बिना किसी दूसरे स्थायी समाधान से बहुत दूर नजर आते हैं। ईरान तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत एक बड़ा इंपोर्टर है। ईरान वो अकेला देश था कुछ दिन पहले तक के जो भारतीय रुपए में तेल की कीमत लेता था। ये कुल पेमेंट का एक हिस्सा होता था लेकिन भारत की नजर से बड़ी अहम बात थी। ईरान का तेल सस्ता था तो 2018 तक भारत ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर था। भारत आने वाले तेल की तीसरी सबसे बड़ी खेप ईरान से आ रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था काम। फिर भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है, जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे देखते हुए ईरान और भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम था, क्योंकि ईरान हमें सेंट्रल एशिया का वो रास्ता देने वाला है जो पाकिस्तान के चलते हमारी बहुत से बाहर है। जब से ईरान और अमेरिका में टेंशन बढ़ी है तब से भारत सोच में पड़ गया है। भारत ने ईरान से तेल खरीदना कम किया है, हमें मार्केट से इस वजह से महंगा तेल लेना पड़ रहा है। क्रक्स ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही हमारी विदेश नीति और जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हमारे आर्थिक हित हैं हमारे, उस लिहाज से ज़रूरी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तुरंत जंग छिड़ जाएगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इनके बीच जंग या जंग जैसे हालात भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस पर इस तरह के हम और वीडियोस बनाते रहेंगे, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा कंटेंट यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।